जलालाबाद में एक 13 साल के बच्चे को बदले की भावना में करंट लगाकर जान से मारने व कुकर्म करने की गई कोशिश। इस हैवानियत को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, पड़ोसी ही निकला। दिन ब दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाएं जहां चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं हमारे बच्चे अपने घर के मोहल्लों में भी सुरक्षित नहीं है। इसकी एक ताज़ा मिसाल आज जलालाबाद में देखने को मिली। जलालाबाद के मोहल्ले बावरिया में रहने वाले वली, जो कि 13 वर्ष का है और 5वीं कक्षा का छात्र है, उसे मोहल्ले में रहने वाले मंगज सिंह ने निजी रंजिश के चलते घर के बाहर खेलते हुए उठा लिया और तूड़ी वाले कमरे में ले गया, जहां पर उसने पहले तो उसे पीटा, बाद में उसने उसके दोनों पाँव बिजली के तारों से बांधे और कमर पर भी बिजली की तार बांध दी। इसके बाद उसने बिजली के तेज झटके देता रहा और 13 साल का विनीत तड़पता चिल्लाता रहा। उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की गई। आरोपी यही नहीं रुका, उसने तेज धार हथियार उसकी गर्दन पर रखकर उसे धमकाया भी कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताए, नहीं तो उसे जान से मार डालेगा। यह बात विनीत ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद मीडिया से खुद ही कही। मर जाता फिर बस मिनट ला के मैं लाता, पछतावा मैनू भी है, बहुत पछतावा मेरे बच्चे ने, जब मैं गलती की थी। जी पता नहीं जी, मैं ना उन्होंने नहीं बुलाना चाहता सी, तो मैं और बेलिया बुला सी, तो मैंने कहना तू मैनू भी बुला नहीं तो मैं तेनों मार देगा। हाँ जी सर, जो साढ़े को पेशेंट आया से उन्होंने असं एडमिट किया, नाम है प्रनीत, 13 साल है बच्चे की उम्र, तो उन्होंने गंभीर हालत लैके आए थे। जिस तरह पानी भानिया हुआ, छाले हुए हुए थे बच्चे के आले दुआले, ढिड के आले दुआले, तो जोड़े सज्जे पास के लाते थे वो दो निशान से, सरकल बने हुए थे, तो जो खब्बे पास का पैर से वो साइड से एक सिंगल निशान से। की लग रहा है कि वो इदा लग रहा है, मैं बहुत हाई वोल्टेज का करंट दिता हों बच्चे, बच्चे बहुत गंभीर हाल च लैके आए साढ़े को।